उपस्थितियों ने अमन शांति के लिए रब आगे उठाए हाथ। पवित्र रमजान के अवसर पर अल हिलाल कॉलोनी VMV रोड पर स्थित अब्दुल्लाह पार्क में अमरावती शहर कांग्रेस पार्टी के महासचिव असलम सलाट व अमरावती मेमन जमात के अध्यक्ष हाजी यूसुफ सलाट की ओर से रविवार को रमजान के 22वें रोजे पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इस्लाम धर्म के अनुसार इफ्तार के पहले जो भी दुआ मांगी जाती है वह कबूल होती है, इसलिए इफ्तार से पूर्व की दुआ हाफिज नाजिम ने की। मांगी जाने वाली दुआओं में देश की अमन शांति की दुआ का सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ और उपस्थितियों ने हर दुआ पर आमीन कहा। मस्जिदों में इफ्तार का समय होने का ऐलान होते ही हाफिज नाजिम ने इफ्तार की दुआ पढ़ाई। इफ्तार के इस दस्तरखान पर हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दी। सभी ने पेड़ खजूर फ्रूट सलाद व शरबत से रोज़ा इफ्तार किया। एक दूसरे को खजूर खिलाकर रमजान की खुशियां बांटी। इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज के बाद इसी जगह खाने का आयोजन किया गया। असलम सलाट, अमीर सलाट, अशफाक सलाट की ओर से आयोजित दावत इफ्तार में पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, कांग्रेस शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले, वकील संघ के अध्यक्ष एड शोएब खान, महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव आसिफ तवक्कल, नागपुरी गेट के पुलिस स्टेशन के थानेदार पुंडलिक मेशराम, गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन के थानेदार आसाराम चोरमले, गुड्डू हमीद, राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक अध्यक्ष वहीद खान, नजम दानिश, हाफिज नदीम, सोहेल मेमन, शे साजिद, अनिस जानवानी, शफीक मेमन, डॉक्टर सूफियाना अस्करी, डॉक्टर इमरान हफजल, डॉक्टर नावेद पटेल, मेराज खान पठान, नसीम खान पप्पू, साहिद भाई बोरिंगवाली, फुजेल सलाट, हबीब सलाट, संदेश जैन, वैभव देशमुख, सागर कलाने, सागर यादव पाटिल, नजीर बी के, रशीद पठान, सैयद जुबेर, सैयद मुख्तार, नौशाद शालीमार, सादिक शाह, अमीर ताज, फैसल पारस, सैयद अफ़ान आदि दावते इफ्तार पार्टी में उपस्थित रहे।